पहला कॉम्बिनेशन है हमारे पास इन फिटनेस स्टूडियो गेन, जिम में जाना, जिम हम ठीक जहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी मसल्स बनाते हैं। इन फिटनेस स्टूडियो गेन, इन रेस्टोरेंट गेन, अभी जो आपने बनाया। फिर सोने के लिए बेड पर जाना, इन बेट गेन, ठीक है। बैरूनी मुल्क अगर आउसलैंड आ गया वर्ड, तो आप वन गेन दी इन आउसलैंड, आप बैरूनी मुल्क कब जाते हैं, फॉरेन कंट्री, ठीक है, में, फॉरेन कंट्री में। और ये सिर्फ न्यूटन नाउंस के साथ लगता है, ये आप सबको बता दिया गया है। किन दो को मिलाकर बना राजा फसी, इन स्किन दो लफ्जों को मिलाकर बना, भूल किसको याद है जी? इन कौन से दो गया। लफ्जों को मिलाकर बना हुआ है? आर्टिकल न्यूटर का क्या था? न्यूटर का 10 था। हाँ, तो इन और दस, ठीक है, ठीक इन का इन, दस का एस, मिलाकर इंस, ठीक है। अच्छा, ठीक आगे है दफ्तर जाना का, बनाइए, ये क्या लिखा हुआ? इन इन इंस भी होगा, इंस भी होगा। हाँ, सेंटेंस बनाते जाइए। सोने कब जाते हो? वन गेन जी इंस बेट, बैरूनी मुल्क कब जाते हो? वन गेन जी इंस आउसलैंड, दफ्तर कब जाते हो? वन गेन जी इंस बेओगो, तीनों के इनफॉर्मल बनाइए। वन गेस्ट डू इंस आउसलैंड, या वन गेस्ट डू इंस बेट, वन गेस्ट डू इंस बेओगो। हाँ, और इसके भी दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल बनाइए। फिटनेस स्टूडियो, वन गेन जी इन फिटनेस स्टूडियो, वन गेस्ट टू इन इंस फिटनेस स्टूडियो। ये नाउ, और जो चीज हमें आनी चाहिए वो है इन इंटरनेट गेन, इंटरनेट पर जाना, बेसिकली ऑनलाइन हो जाना। इन स्कीन हो गेन, इन ठीक सियाटा गेन आना चाहिए, और इतने काफी हैं। इन सियाटा गेन, इन स्कीन हो गेन, और इन कॉन्सैट गेन नीचे होगा कहीं, इन कॉन्सैट गेन, और एक ये भी लिख लीजिए, इन क्रांकन हाउस गेन, और आगे लिखा है आल पाशियंट, पेशेंट के तौर पर जाना, वैसे नहीं, पेशेंट के तौर पर जाना, ठीक है। बाकी ये जो रेडे वेंडुंग मुहावरों को कहते हैं, ये अभी नहीं चाहिए, ये इन डिटेल गेन अभी नहीं चाहिए, वो A2B1 पे सीखना आप लोग, डिटेल में जाना, ठीक है। ठीक अच्छा, इसी तरह कैद खाने में जाना, इन ये फेंगनिस, इधर कहीं लिखा हुआ था ये फेंगनिस गेन, कैद में जाना, ठीक है, राइट। तो ठीक ये अभी एक्सील गेन, ये भी नहीं चाहिए ना, ये होता है अपने मुल्क को छोड़कर किसी वजह से आप बैरूने मुल्क चले जाते हो, जिसको इंग्लिश में एग्जाइल कहते हैं,